हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मीतू शर्मा। आज हम लोग बच्चों का डायपर कैसे छुड़वाएं वो बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज बच्चों को डायपर पहनाना मतलब किसी भी चीज़ की आदत लगाना बहुत ही इजी होता है, बट उसको हटाना रिमूव करना सबसे टफ चैलेंज होता है। बट अगर आपका बेबी 2 या 3 ईयर्स का है और अभी तक डायपर पहन रहा है और आप उसका डायपर छुड़वाना चाहती हैं तो आप ये ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपका बेबी डायपर छोड़ देगा। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा 2 और 3 साल के बीच का होता है तो ये सिम्टम सबसे बेस्ट है कि आप उस एज में बच्चों का डायपर इजी वे से छुड़वा सकती हैं, क्योंकि इसमें बच्चे इजी ट्रिक से डायपर छोड़ देते हैं। पर कुछ बच्चे होते हैं जो 5 साल के हो जाते हैं तब भी डायपर्स पहनते हैं, उन बच्चों का डायपर छुड़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बिकॉज उनको एक तरह से हैबिट्स हो जाती है कि उनको डायपर पहनना है, बिना डायपर के वो नहीं रह सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आपको अपने बच्चों का डायपर छुड़वाना हो, उनकी एज 3 या 4 ईयर्स के बीच में हो, तो आपको कम मेहनत लगेगी। ये नहीं कि अगर आप अभी 5 ईयर्स का है और अभी तक डायपर पहन रहा है तो उसका डायपर आप छुड़वा नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसका भी डायपर छुड़वा सकती हैं, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो कौन सी ट्रिक्स हैं या कौन सी टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे का ईजी ट्रिक से डायपर छुड़वा सकती हैं, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, जब भी आपको डायपर बच्चों को छुड़वाना हो, हमेशा कोशिश कीजिए वो टाइम गर्मियों का हो, मतलब समर वेकेशंस हो, मतलब समर्स हो। मतलब समर्स में कोई भी काम इजी वे से हो जाता है, बिकॉज धूप ज़्यादा रहती है और बच्चे इसमें पी भी कम करते हैं, और बारिश में और विंटर में बच्चे पी ज़्यादा करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए ये जब छुड़वाने का आपका मन करे बच्चों को तो गर्मी में ही छुड़वाइएगा। और उससे भी पहले अगर आपको बच्चे का डायपर छुड़वाना है तो जो मॉम्स हैं उनको अपने माइंड में एक बात बिठानी है कि हाँ, मुझे अपने बच्चे का डायपर छुड़वाना है। क्योंकि जब तक वो अपने माइंड में बात नहीं बैठाएंगी वो बच्चे का डायपर नहीं छुड़वा सकती। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में बैठाना है कि हाँ, मुझे अपने बच्चे का डायपर छुड़वाना है, तो बहुत ही ईजी होगा बच्चे का डायपर छुड़वाना। तो सबसे पहले नंबर आपने गर्मी में शुरुआत करनी है, और जब भी शुरुआत करनी है तो कोशिश कीजिए एक एक टाइम लीजिए, या मॉर्निंग का टाइम या आफ्टरनून का टाइम, इसमें से जो टाइम आपको सूट करता है। जैसे आप अगर ऑफिस जाती हैं तो आप मॉर्निंग में नहीं छुड़वा सकती हैं, तो आपके लिए आफ्टरनून का टाइम। हाँ, जो हाउसवाइफ हैं वो मॉर्निंग में ये काम कर सकती हैं। मतलब जो फर्स्ट ट्रिक है, मतलब आपने शुरुआत कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, आपने जैसे बच्चा सो के उठता है मॉर्निंग टाइम में, तो आपने बच्चे को दूध दिया। दूध देने के बाद बच्चा डायरेक्ट ब्रश नहीं करता है, थोड़ा सा 2 या 5 मिनट 10 मिनट बच्चा थोड़ा सा खेलता है। तो आपने क्या करना है, बच्चे का डायपर निकाल के बच्चे को पी करवाना। बेशक बच्चा पी नहीं भी करे तब भी आप बच्चे को पी करवाइए, क्योंकि एक दो बार आप ऐसा करेंगे तो बच्चे के माइंड में बैठ जाएगा कि मुझे डायपर खोलने के बाद जस्ट पी करना है, तो बच्चा पी करेगा। और उस दिन आपने पूरा दिन, जैसे आपने मॉर्निंग में अगर शुरू किया तो मॉर्निंग में आपने जब तक बच्चे को नहलाना नहीं है तब तक आप देखिए बच्चा कितने कितने घंटे में पी कर रहा है। मतलब आपको 1 और 2 दिन या 3 दिन आपको सिर्फ वॉच करना है कि आपका बेबी कितने कितने घंटे में पी कर रहा है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो कितने कितने घंटे में पी कर रहा है, तो आप 4th डे से उसको उस टाइम में कहेंगी बेटा, जैसे 1-1 घंटे में पी कर रहा है तो आप 1-1 घंटे में उसको पी करवाएंगी, जाके नहीं भी करें तब भी उसको 5 मिनट पहले जाइए उसको पी करवाइए। डेफिनेटली आपका बेबी करेगा, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाए कि हाँ, मुझे इस समय पी करना है। तो जब आपको लगे कि हाँ, आप इस ट्रिक में आप सक्सेस हो गई हैं, आपने एक टाइम बच्चे में, जैसे दोपहर में बच्चा अच्छे से आप करने लगा है, तब यही रूटीन आप मॉर्निंग में शुरू कीजिए। अगर मॉर्निंग में आपने शुरू किया है तो यही रूटीन आफ्टरनून में शुरू कीजिए, पर नाइट्स में ये रूटीन जल्दी शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है मम्मा, हमेशा डायपर निकाल रही है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिए। जैसे आपने एक दिन 3 या 4 दिन मॉर्निंग में किया तो उसको 3-4 दिन लगातार मॉर्निंग में ही कीजिए,
आफ्टरनून में मत कीजिए। जब आपका आपको लगे कि हाँ अब बच्चा मेरा मॉर्निंग में पी नहीं कर रहा है, मतलब उसको डायपर नहीं पहनाना पड़ रहा है, तो वो रूटीन आप दोपहर में फॉलो कीजिए। जब दोपहर का भी एकदम आफ्टरनून का भी एकदम सही हो जाए, तब आपको नाइट में क्या करना है, नाइट में जब भी आप बच्चे को मिल्क देती हैं तो मिल्क देने के बाद बच्चे को आप पी करवाइए। आपका बच्चा कहे मम्मा नहीं करना है, तब भी करवाइए, पी करवा दीजिए। और जब सुबह 5 बजता है तो आप जानते हैं छोटे बेबी सुबह भी दूध पीते हैं, तो आप अपने उठने से पहले जैसे आप उठी तो आप थोड़ा सा बॉटल्स में, अगर आपका बच्चा बॉटल में दूध पीता है तो ठीक है, आपने बॉटल में दूध रखा और आपके बच्चे ने जब आपने अपने बच्चे को उठाया कि बच्चे चलो पी कर लो, या आपने अपने बच्चे का डायपर खोला, तो उसको जाके गोदी में ले जाके आप पी करवा दीजिए। तो उसके बाद बच्चे को वो दूध दे दीजिए। 1-2 दिन लगातार आप ऐसी ट्रिक्स फॉलो करेंगी तो बच्चे के माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ मुझे 5 बजे पी करना है, तो बच्चा सिम्टम देगा कि मुझे मम्मा इस समय पी करना। और फिर धीरे धीरे आप क्वांटिटी चेक करती जाएगी डायपर की, कि जो डायपर है वो कितना हल्का होता गया है। तो धीरे धीरे आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगी, आपका बेबी डेफिनेटली डायपर पहनना छोड़ देगा। पर ये जो जितनी भी ट्रिक्स हैं वो 1 by 1 ही फॉलो कीजिए। जैसे पहले मॉर्निंग में कीजिए 4-5 दिन, जब आपको लगे कि हाँ आपने एकदम सही ट्रिक से फॉलो कर लिया, आपको पता चल गया कि आपका बेबी कितने कितने घंटे में पीक कर रहा है, तब आप आफ्टरनून का शुरू कीजिए। जब आफ्टरनून का भी आपको पता चल जाए तब नाइट का शुरू कीजिए। ये प्रोसीजर से आप करेंगी तो आपका बेबी डेफिनेटली डायपर छोड़ देगा और आपको भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।